मित्रों नमस्कार। सुपर चिटकी वनस्पति विज्ञान श्रृंखला में एक बार फिर स्वागत है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जीवाणु नाम 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने दिया। जीवाणु का नाम जो है 1829 ईस्वी में किसने दिया? एहरेनबर्ग ने दिया है। अगला प्रश्न है, कालरा एवं क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, कालरा एवं क्षय रोग को टीबी कहते हैं, जीवाणुओं द्वारा होता है। मित्रों ये जीवाणु द्वारा होता है, ऑप्शन में आपके विषाणु भी रहेगा, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछेगा तो कालरा एवं क्षय रोग ये किससे होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न, 1890 ईस्वी में लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। मित्रों कुत्ते के काटने से ये बीमारी होती है, तो ये रेबीज के टीके की खोज 1890 ईस्वी में लुई पाश्चर ने किया था। दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने की थी। किसने की थी दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज? लुई पाश्चर ने की थी। दूध को, अगला प्रश्न है, दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुराइज किया जाता है। साधारणतः जीवाणु को कोशिका भित्ति, हाँ मित्रों देखिए, साधारणतः जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न, राइजोबियम दलहनी जिसको क्या कहते हैं? लेग्यूम, दलहनी पौधों को लेग्यूम कहते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में रहता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो दलहनी पौधों की जड़ों में रहता है, और वो जो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन N2N नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस, देखिए लैक्टोबैसिलस एवं ये ऊपर है, लैक्टोबैसिलस एवं स्टेफिलोकोकस दूध से दही बनाने में सहायक होता है। मित्रों दूध से दही बनाने में कौन सहायता करता है? यही दोनों लोग, लैक्टोबैसिलस और स्टेफिलोकोकस। बायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। मृदा अपरदन को रोकने में कौन सहायक होता है? बायोफाइटा। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जैमिया पिग्मिया है। क्या है? जैमिया पिग्मिया जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा है। जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें आवृतबीजी कहा जाता है। हाँ, बीज जब फल के अंदर रहते हैं तो उन क्या कहा जाता है? आवृतबीजी कहा जाता है। फ्लोएम, अगला प्रश्न है, फ्लोएम भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। भोज्य पदार्थों को कहाँ से पहुंचाता है? पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। मित्रों ये फ्लोएम जो है पत्तियों में रहता है, ये जड़ों तक भोज्य पदार्थ पहुँचाता है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। कौन? एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। जाइलम का काम क्या होता है? देखिए अंतिम प्रश्न है, जाइलम का कार्य जो है जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम जो है जड़ से पत्तियों तक जल को पहुंचाता है, जल अर्थात पानी को। मित्रों इस श्रृंखला में बस इतना ही, ऐसे छोटी छोटी श्रृंखलाएँ हम आपको देते रहेंगे, लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।